जी स्पोर्ट्स मोटिवेशन चैनल आपका होस्ट साकिब फयाज आपसे मुखातिब। अभी हमारे साथ जी काशिफ रेहान साहब मौजूद हैं, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान की जानिब से ये एक अपना वेट लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते थे। आपका मैं तारुफ करवाता चलूँ तो आप जो हैं वो इंटर प्रोविंशल जो हैं वो 3 मरतबा चैंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसके साथ साथ नेशनल गेम में आपने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो बलूचिस्तान के लिए हासिल किया हुआ है। अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो में आप वेट लिफ्टिंग के फोकल पर्सन हैं बलूचिस्तान के, और अभी जो है हमें ये मालूम हुआ है, काशिफ रेहान साहब वेलकम करते हैं आपको चैनल के ऊपर, आप अपने काइंडली बताइएगा। हमें ये पता लगा है कि आप इतने डेडिकेटेड हैं वेट लिफ्टिंग के साथ कि आपने जो है वो आप अपनी टीम जो है वो लेके आए हैं यहाँ नेशनल पे, उसका थोड़ा सा बताइएगा कैसे आप यहाँ पे आपका वो जो सारा सफ़र है वो थोड़ा सा काइंडली शॉर्ट करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मुझे खुशी है कि आपने हमें मौका दिया स्टेज पे कि हम आके अपना बता सकें। दूसरा ये कि हम जो है ना बलूचिस्तान से सबसे दूर यहाँ के आए हुए हैं, सबसे दूर जो पड़ता है सबसे दूर पहुंचे। उसके बाद हमें ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिए गए, हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है ना इस मुकाबले में आया जो कि इंटरिम कमेटी ने मुनक्किद करवाया है। क्योंकि पिछले तकरीबन एक डिकेड से जो है ना बलूचिस्तान को बिल्कुल वो किया गया है, ना ही उनके कोई नज़रअंदाज किया गया है, ना ही कोई वेट लिफ्टर आ रहे हैं, ना ही पिछले जो है कोई इस टाइप के मुकाबले हुए हैं। ये एक अच्छा स्टेप है जो इंटरिम कमेटी ने लिया है कि इंटर क्लब मुकाबले करवाए हैं जो को कायदे आज़म की डे के मुनासिबत से, ये बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह। और सर डेफिनेटली मैं भी अपने आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, बीइंग अ फॉर्मर नेशनल प्लेयर मैंने काफ़ी अरसे बाद आप लोगों को यहाँ पे ट्रू रिप्रेजेंटेशन करते देखा है। इससे पहले कॉम्पिटिशन पे लैप्स था, मिसिंग था बलूचिस्तान डेफिनेटली। और दूसरा सर क्वेश्चन आपसे ये है कि कैंप के हवाले से एक बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे अटेंड कर रहा है कैंप, आप वो कैसे देखते हैं उसका टैलेंट, वो आने वाले वक्तों में आप उसको कहाँ रेट कर रहे हैं, कैसे रेट कर रहे हैं? जी वो बच्चा जो है ना जो कि अच्छा एक वेट लिफ्टर है, उसका वालिद भी वेट लिफ्टर रहा है, हमने उसको सपोर्ट करने की क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है कि उसको सपोर्ट हो जाए, और इंटरिम कमेटी ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हमारे कहने पर उसे कैंप में रखा और अच्छी सहूलियात उसे मुयसर की गई हैं और वो भी अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा है कि मैं आगे से आगे बढ़ूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरा सर इंतजामात आप नेशनल चैंपियनशिप के कैसे देख रहे हैं, कैसे इंतजामात हैं? मैं तकरीबन जो है ना 10-15 साल से वेटलिफ्टिंग से दूर रहा, चूँकि हाफिज़ ज़फ़र साहब और खिज़र हया साहब जो कि मेरे उस्ताद भी हैं खिज़र हया साहब, उनकी कोशिशों से मैं दोबारा वेटलिफ्टिंग में आया और वेटलिफ्टिंग की टीम भी लेकर आया जिसके इंतजाम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं, ना कि इतना तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मगर ये कि जो फर्स्ट एफर्ट की जाती है उसमें ये बहुत अच्छा है। डेफिनेटली सर ग्रेजुअल प्रोसेस है, काफी अरसे बाद इस तरह की ग्लोरी नजर आई है, बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये सब हम लोग बेहतर से बेहतर होता जाए काम करेंगे और वेट लिफ्टिंग के लिए काम करेंगे। आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।